ब्रेक डांस में अच्छा लगता है, आपके फेवरेट वीडियो में नहीं। देख बिना ब्रेक, डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं प्रथम मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली तक। ये खबर दिल्ली वालों को खुश करने वाली है, क्योंकि दिल्ली का एक इलाका खान मार्केट, जो कि पॉश इलाकों में आता है, पॉश मार्केट है, खान मार्केट को पॉश मार्केट माना जाता है, रईस वहाँ जाके शॉपिंग करते हैं, आम जनता के लिए थोड़ा मुश्किल होता है वहाँ शॉपिंग करना क्योंकि दाम इतने ज़्यादा होते हैं वहाँ पे। उस मार्केट को 20वां स्थान मिला है एक विदेशी पत्रिका की ताज़ा रिपोर्ट में, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी कमर्शियल जगहों का एक आंकलन किया गया, उसमें उस खान मार्केट को 20वां स्थान मिला है। पिछले साल जो था खान मार्केट का 21वां स्थान था, इस साल 20वां स्थान है। अगर बात करें क्या जो ज़मीन का क्या भाव है, तो उस हिसाब से अगर बात करें प्रॉपर्टी रेट के बारे में, तो खान मार्केट का जो है पिछले साल तक $237 प्रति वर्ग था एक साल का किराया, इस साल वो किराया अब हो चुका है $243। तो ये $6 की वृद्धि हुई है, और इसी को जो किराया जो है इसी के आंकलन पे वो पूरा रिपोर्ट बनाया गया। अगर बात करें इस सूची की, इस सर्वे की, इस लिस्ट की, तो हांगकांग का कॉजवे बे जो है वो एक फर्स्ट पोजीशन पे है। कॉजवे बे का जो किराया है वो दिल्ली के खान मार्केट से 10 गुना ज़्यादा है, यानी तकरीबन $2,745 प्रति वर्ग का वहाँ सालाना किराया दिया जाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर फिफ्थ एवेन्यू, और तीसरे नंबर पर भी लंदन का बॉन्ड स्ट्रीट। तो ये दो जो जगह है इनका किराया भी आसपास ही है, और ये सारे सर्वे में ये टॉप थ्री हैं। इसके अलावा और भी जगह है, लेकिन दिल्ली का खान मार्केट जो है वो 20वें पोजीशन पर है। दिल्ली वालों के लिए ये खुशी की बात है। रिपोर्ट में एक चीज़ और बताई गई कि क्योंकि भारत में अच्छे मॉल नहीं है, पता नहीं कहाँ से उन्होंने देखा, मॉल तो हैं काफ़ी सारे अच्छे महंगे मॉल हैं, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अच्छे मॉल नहीं है, इसलिए जो महंगे जो विदेशी ब्रांड्स हैं वो ऐसी जगह देखते हैं जहाँ लोगों की ज़्यादा आवाजाही होती है। खान मार्केट हो गया, कनाट प्लेस हो गया, ग्रेटर कैलाश, ऐसे जगहों पर वो सोचते हैं दुकान लगाने का, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा आवाजाही होती है, जाहिर सी बात है, तो वहाँ पर वो लोग सोचते हैं। और इसी सिलसिले में खान मार्केट में बहुत अच्छे विदेशी ब्रांड्स हैं, और इसलिए खान मार्केट का रेट बहुत ज़्यादा हाई है। अगर बात करें इस सूची में, सर्वे में और क्या निकल कर आया, तो सर्वे में एक चीज़ और साफ हुई कि बॉम्बे, मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली, इन तीनों में प्रॉपर्टी की जो वृद्धि हुई है वो ज़्यादा तेज़ी से नहीं हुई है, काफ़ी स्लो पेस पे हो रही है, वृद्धि हो रही है लेकिन काफ़ी स्लो पेस पे हो रही है। वहीं सर्वे के मुताबिक चेन्नई, पुणे और कोलकाता में काफ़ी तेज़ी से प्रॉपर्टी की वृद्धि हुई है। इसके पीछे कारण ये भी है कि कई सारे खाने पीने के ब्रांड्स और कई सारे कपड़ों के ब्रांड्स जो हैं काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर वापस जा रहे हैं बिजनेस करने के लिए, मतलब नए नए रिटेल शॉप्स खुल रहे हैं, हाइपर मार्केट्स खुल रहे हैं। तो दिल्ली तक पर इस तरह की और खबरों के लिए दिल्ली तक को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ट्विटर पर फॉलो करें और फेसबुक पर लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।